हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग अनुसूची 7 की विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए, अनुसूची सात में क्या प्रावधान है? तो अनुसूची सात में है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अनुसूची सात में क्या बताया गया है? तो मेरे भाई, आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा कि अनुसूची सात में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। आ जाइए इसमें समझते हैं। एक आपकी क्या है संघ सूची, एक है आपकी क्या राज्य सूची, और एक आपकी क्या है समवर्ती सूची। कहने का मतलब यह है कि यह अनुसूची सात में तीन प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए समझते हैं। देखिए, जब संविधान मूल संविधान में या कह सकते हैं मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में विषय कितने हो गए हैं? 98 विषय हो गए हैं। बातें समझ में आई? विषय के बारे में अभी थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो यह संघ सूची है, संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय था, जबकि वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। बातें समझ में आई? अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि संघ सूची में जब संविधान तैयार हुआ था, मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो आप बताएंगे 97 विषय थे, और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो क्या बताएंगे? 98 विषय। अब आइए समझते हैं। देखिए, संघ सूची का मतलब है यहाँ पे कि संघ सूची वह सूची होती है जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। जिस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। बातें समझ में आई? तो संघ सूची किसे कहेंगे? तो संघ सूची वह होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। मूल संविधान में कितने विषय थे, तो बता देंगे मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन आज कितने विषय हैं? आज 98 विषय हैं। चले आगे। तो आइए समझते हैं कौन से वे 98 विषय हैं जिस पर संघ सूची या केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो चलिए एग्जांपल, या आप विषय लिखिए, से कुछ जो इम्पोर्टेंट विषय हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे एक है आपका युद्ध एवं शांति। इसी तरीके से क्या परमाणु ऊर्जा। इसी तरीके से क्या विदेश नीति। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? खनन हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। इसी तरीके से आरबीआई हो गया। क्या हो गया? इसी तरीके से डाक व्यवस्था हो गया। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? आयकर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? निगम कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगम कर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से एक दो आप और समझ लेते हैं। एक है आपका क्या? रक्षा। ये जो युद्ध एवं शांति लिखा हुआ है, परमाणु ऊर्जा लिखा हुआ है, विदेश नीति, रक्षा, मुद्रा, रेलवे,
इसी तरीके के जो 98 विषय हैं, इसी तरीके के 98 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। अर्थात क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु ऊर्जा किस सूची का विषय है, तो हम लोग बताएंगे कि यह संघ सूची का विषय है। इसी तरीके से कोई पूछे कि ये जो खनन है, यह खनन किस सूची के अंतर्गत आएगा, तो आप बताएंगे संघ सूची, या इस पर कानून कौन बनाएगा, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार। मेरे भाई, आप लोगों को क्या संघ सूची में कोई दिक्कत है? ये 8-10 पॉइंट आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो आयकर है किस सूची का विषय है। इसी तरीके से एक यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, शेयर बाजार। इसी तरीके से एक और लिख लेते हैं क्या, इसमें शेयर बाजार। तो ये इतने या इतने आप तो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन इसी तरीके के जो 98 विषय होंगे सब पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा, और ये सभी संघ सूची के विषय माने जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए चलिए समझते हैं राज्य सूची। देखिए, राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में विषय की संख्या कितनी थी? तो विषय की संख्या 66 थी, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। अब आइए समझते हैं कि राज्य सूची का मतलब होता है कि कौन से वो 61 विषय हैं जिस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। इसका मतलब यह है कि यह जो 61 विषय है, इन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। आइए समझते हैं कौन कौन से वो विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। किसी को भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बातें समझ में आ रही है ना? एकदम इंजॉय होकर के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए विषय लिखते हैं। एक विषय आपका है क्या? स्थानीय सरकार। एक विषय आपका क्या है? स्थानीय सरकार। इसी तरीके से और विषय की ओर चलते हैं। और विषय की ओर एक है आपका क्या? लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था। एक आपका क्या है? भूमि राजस्व है। भूमि राजस्व है। एक आपका क्या है? कृषि है। कृषि है। पशुपालन है। इसी तरीके से अगला हो जाएगा कानून व्यवस्था हो जाएगी। कानून व्यवस्था हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंचाई एवं नहर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा। नहीं, भूमि राजस्व हो गया। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? पशुधन हो जाएगा। इसी तरीके से मेला हो जाएगा, बाजार होगा, हो जाएगा। इसी तरीके से जो मिले हैं, मिले 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 आप कह सकते हैं। इसी तरीके के जो 61 विषय हैं, उन 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। बातें समझ में आई या नहीं आई? तो जो राज्य सूची है, इस पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगा। और 61 विषय हैं, तो इन 61 विषयों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। जब संविधान तैयार हुआ या मूल संविधान में राज्य सूची में विषय की संख्या 66, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। चले आगे भाई, चला जाए आगे। दो बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं समवर्ती सूची पे। नोट करिए इसको। चलिए आगे चलिएगा। एक बचा हुआ है आपका क्या? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? संघ सूची पढ़ा। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाई, राज्य सूची में कौन बनाया? राज्य सरकार बनाई। तो समवर्ती सूची का मतलब होता है जहां पर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बना सके या दोनों बनाए। ठीक, ऐसे समझना है, दोनों बनाए। समवर्ती सूची का मतलब यह है कि जहां पर या ऐसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र एवं राज्य दोनों का होता है उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची समझ में आई या नहीं आई? समवर्ती सूची मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो नोट करिएगा, जो समवर्ती सूची है यह मूल संविधान में इसमें जो विषय थे यह विषय की संख्या कितनी थी? 47 थी, परंतु वर्तमान में विषय इसमें कितने हैं? वर्तमान में विषय की संख्या इसमें कितना है? 52 है। तो चलिए अब समझते हैं कि जो यह वर्तमान में 52 विषय हैं तो इस पर कौन कौन सा ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र एवं राज्य दोनों का होगा। तो इसके चलिए प्रमुख विषय लिखते हैं। प्रमुख विषय पहले लिखिएगा, एक तो हो गया शिक्षा। शिक्षा पर जो कानून बनाने का अधिकार है केंद्र का भी है और राज्य का भी है, इसलिए इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। अब चलिए इसी तरीके से ये हो जाएगा सेकेंड आपका क्या, जनसंख्या नियंत्रण। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। इसी तरीके से शादी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका IPC हो जाएगा। इसी तरीके से CRPC होगा। इसी तरीके से आपका न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी तरीके से न्यूज़पेपर हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे आपका हो जाएगा वन या जंगल कह सकते हैं। इस तरीके के जो 52 विषय हैं उन 52 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों का होता है। केंद्र और राज्य दोनों का होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक आप यहाँ से और लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, मतलब अधीनस्थ न्यायालय, ठीक। तो समवर्ती सूची क्या बताएंगे? समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची में मूल संविधान में विषय की संख्या 47, वर्तमान में विषय 52 और ये आपका शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, तलाक, शादी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वन, न्यूज़पेपर, CRPC, IPC, इसी तरीके के जितने भी 52 विषय हैं इन 52 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र एवं राज्य दोनों का होगा। मेरे भाई क्या सूची समझ में आई? क्या सूची समझ में आई? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, बातें सभी समझ में आ गई? बातें समझ में आई मेरे भाई? अगर बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास।